करने से पहले फ्रेंड्स आप सभी से निवेदन है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और अपने चैनल सुषमा की रसोई को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैंने 1 किलो पालक ली है और 1/2 किलो आलू ली है। इसे हम अच्छी तरह से साफ कर धोकर काट लेंगे। हमने पालक काट कर रेडी कर ली है। पालक को ना हमने ज्यादा बारीक काटना ना ज्यादा मोटी, इस तरह से भी हम काट के ले सकते हैं। आलू भी मैंने काट कर पानी में रखे ताकि ये काले ना हो। 2 बड़े चम्मच मैंने तेल लिया है जिसे अच्छी तरह से गर्म होने के लिए रखा हुआ है। तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, गैस करेंगे कम और सबसे पहले डालेंगे हम इसमें 2 चुटकी हींग। और साथ में डालेंगे प्याज, कच्चे हुए प्याज हमें इसी तरह से लेने हैं। हींग का जो टेस्ट है ना बहुत अच्छा आता है सूखी सब्जी में। और साथ में डालेंगे लहसुन, वो भी कटा हुआ मोटा मोटा, थोड़ा सा बारीक भी काटना है इसे भी। साथ में डालेंगे अदरक 1 चम्मच बारीक कटा हुआ। सभी चीजें अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसे 1-2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। और साथ में डालेंगे सूखी लाल मिर्च 3 से 4, इसे भी अच्छी तरह से कर देंगे मिक्स सभी मसालों में। और 3 से 4 हरी मिर्च कटी हुई, आप चाहे डालो या मत डालो, आपकी मर्जी है। सभी मसाले अच्छी तरह से हमारे पक चुके हैं। इसमें डालेंगे कुछ मसाले, 1 से 2 चम्मच नमक, नमक आप कम ज्यादा कर सकते हो, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। सूखी सब्जी में रंग बहुत अच्छा आता है कश्मीरी लाल मिर्च डालने से, कर देंगे मिक्स। मसाला हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब ऐड करेंगे इसमें आलू और इसे भी कर देंगे मिक्स अच्छी तरह से। ऊपर से डालेंगे हम 1/2 चम्मच क्रश की हुई लाल मिर्च और इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह कुक करेंगे। 2 से 3 मिनट हमारे हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे, ऐड करेंगे टमाटर 2 मीडियम साइज के कटे हुए और अच्छी तरह से कर देंगे मिक्स। इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे ताकि जो हमने टमाटर डाले अच्छी तरह से गल जाएं। चलो इसे देख लेते हैं, 2 से 3 मिनट हमारे हो चुके हैं। देखिए टमाटर हमारे कितने अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब इसमें हम पालक ऐड करेंगे। इसमें हम पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे क्योंकि जो हमारी पालक है इसमें पानी छोड़ देगी। इसे हम 2 मिनट के लिए ढकेंगे। चलो इसे एक बार हम देख लेते हैं बिना ढके। और 1/2 चम्मच डालेंगे हम धनिया पाउडर और इसे कर देंगे मिक्स। ये देखिए पानी हमारा अच्छी तरह से स्टीम हो चुका है। कितनी शानदार आलू पालक की सब्जी बनकर रेडी है ये देखिए। सब्जी हमारी आलू पालक की बनकर रेडी है, गैस कर देंगे बंद।
इसमें से खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है, तो खाने में कितनी स्वाद होगी। आप भी मेरे इस तरीके से बनाएं और मुझे कमेंट में बताएं आपको कैसे लगी। और मैं फिर मिलूंगी आपको एक नई रेसिपी के साथ, जब तक बाय बाय।